तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। ये साप्ताहिक राशिफल 19 से 25 जुलाई तक के लिए रहेगा और ये चंद्र राशि पर आधारित है। तो अगर आपकी चंद्र राशि कन्या बनती है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। 19 और 20 तारीख से हम शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले देखें तो चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहने वाला है। तो अगर आपकी कन्या राशि है तो चंद्रमा थर्ड हाउस में रहने वाले हैं और यहाँ पर क्योंकि केतु पहले से गोचर कर रहे हैं और वृश्चिक में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, ऐसे स्थिति में आपको कुछ मनमुटाव का सामना करना पड़ सकता है, कुछ खराब संबंधों का सामना करना पड़ सकता है अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे, और उनसे आपका किसी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन का संबंध भी बनेगा, यानी आप उनसे कोई ना कोई बात करेंगे, आपका उनसे कोई ना कोई काम पड़ेगा, तो उसी वजह से थोड़े से संबंध भी यहाँ पर खराब होते हुए आपको दिख सकते हैं। तो ये जो स्थिति है चंद्रमा की थर्ड हाउस में, ये हालांकि आपको यात्रा करने को भी प्रेरित करेगी। कुछ छोटी छोटी यात्राएं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं, उन यात्राओं का निर्णय आपके पक्ष में निकलेगा या विपक्ष में, वो तो हम कह नहीं सकते, चंद्रमा नीच के हैं। तो आपको अपना जो डिसीजन है यात्रा करने का वो ठीक से सोच समझ कर लेना चाहिए। साथ में यहाँ पर राहु की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है तो थोड़े से नकारात्मक विचार आपके मन में आ सकते हैं, कुछ कन्फ्यूजन आपके मन में रह सकता है और कुछ आप भ्रम के शिकार भी बन सकते हैं। तो ऐसे स्थिति में थोड़ा सावधान आपको रहना चाहिए। इसके अलावा आपका घूमने का काफ़ी ज़्यादा मन करेगा और चंद्रमा की ये स्थिति हालांकि आपको पैसे के लिए भी काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करने वाली, लेकिन आप टोटल यहाँ पर इल्यूजन में रहने वाले हैं। तो चंद्रमा यहाँ पर आपको थोड़े परेशान भी करने वाले हैं और केतु के साथ हैं तो थोड़े नकारात्मक विचार हैं वो एक तरह से आपको परेशान करने वाले। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा और पॉजिटिव रहना होगा, तभी जाकर आपके ये 19 और 20 तारीख का जो समय है वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा देखिए चंद्रमा 9th हाउस को देख रहे हैं और वहाँ पर राहु गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्गों के साथ, अपने पिता के साथ सामंजस्य स्थापित करने में, उनके साथ संबंधों को सुधारने में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आप हायर एजुकेशन में हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आपको अपनी हायर एजुकेशन से संबंधित जो भी डिसीजन लेने हैं, जो भी लंबी दूरी की यात्रा या फॉरेन ट्रेवल करने के लिए डिसीजन लेने हैं उनको आप बहुत ही सोच समझ कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत का सामना यहाँ भी आपको करना पड़ सकता है। इसके बाद 21 और 22 तारीख को चंद्रमा की स्थिति काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि ये धनु राशि में गोचर करेंगे। धनु राशि में इनका ये गोचर आपके 4th हाउस में स्थित रहेगा, तो 4th हाउस में होने से आप घर में आपको शांति मिलेगी, घर से लगाव बढ़ेगा, घर के समस्त जो कार्य हैं उनमें आपकी अच्छी हिस्सेदारी भागीदारी हो सकती है। तो घर के कार्यों पर मुख्य रूप से आपका फोकस रहने वाला, साथ ही आपके जॉब पर भी आपका पूरा ध्यान रहेगा। तो करियर के संबंध में आप डिसीजन ले सकते हैं। अब जो लोग अभी तक ऑफिस में जाना शुरू नहीं किए हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आप अपने काम को काफ़ी अच्छे से इंजॉय करेंगे और आपको पूरा काम करने का समय मिलेगा, जिससे आपका जो बॉस है वो आपकी सराहना करेगा। और ऐसी जो स्थिति बन रही चंद्रमा की, ये घर पर आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून देने वाली है। तो एक तरफ तो आप अपने ऑफिस का काम भी समय पर निपटाएंगे, साथ में आप घर के सुख का जो आनंद है वो भी ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं करियर के लिए अगर देखें तो आने वाले समय में बेहतर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। अब डिपेंड करता है आप उनका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। साथ में अगर आपके बॉस के साथ आपके संबंध खराब चल रहे हैं तो उनके साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और आपको इस समय सैलरी में इंक्रीमेंट लग सकता है और कहीं ना कहीं प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो प्रमोशन भी हो सकता है। इसके अलावा आप करियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, घर से रिलेटेड जो भी आपके काम हैं उन पर भी आपका फोकस अच्छे से रहने वाला है। तो 21 और 22 तारीख का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा जाने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। साथ ही साथ आप अगर कोई ऐसा इस समय लेन देन कर रहे हैं प्रॉपर्टी का या किसी अन्य वस्तु का, तो आपके लिए ये फायदे का सौदा साबित हो सकता है। इसके अलावा आप घर में कोई भी ऐसी वस्तु खरीद कर ला सकते हैं इस समय, जो आपको बेहतरीन सुख देती हो, जो आपको आनंद देती हो, संतुष्टि देती हो। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आप घर पर कोई ऐसी वस्तु भी ला सकते हैं खरीद कर, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है। तो चंद्रमा का जो 4th हाउस का गोचर है 21 और 22 को काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा देने वाला है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर 23 और 24 तारीख की जहाँ तक बात है, चंद्रमा आपके पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पंचम भाव में इनका जो गोचर है शनि के साथ रहने वाला मकर राशि में, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर झेलनी पड़ सकती है। तो शनि के साथ चंद्रमा के होने से मन में जो भी विचार आएंगे, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बार बार आएंगे और आप एक किसी बड़े फैसले पर, एक आप
तरह से बोलें तो फोकस नहीं कर पाएंगे, और फोकस नहीं कर पाने की वजह से आपको जो दिक्कत आएगी, आप बार बार सोचेंगे लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे स्थिति का सामना करने से आपको बचना चाहिए, साथ ही आपको एक सॉलिड डिसीजन लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। संतान के संबंध में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलने वाले, अगर संतान की प्राप्ति का वेट कर रहे हैं तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। संतान के प्रति आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रह सकते हैं और संतान के प्रति आपका लगाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों में निराशा हाथ लग सकती है। यहाँ पर अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, हालांकि एजुकेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत रहेगी, तो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। शनि जैसे ही मार्गी होने लगेंगे वैसे ही आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ देखिए, चंद्रमा यहाँ से लाभ स्थान को देख रहे हैं, लाभ स्थान को देखने से यहाँ ये अपने ही राशि को देख रहे हैं। ऐसे स्थिति में लाभ में वृद्धि अवश्य करेंगे भले ही शनि के साथ हों। साथ में कुछ मित्रों से आपको सहयोग दिलाएंगे और कुछ ऐसे लोगों से, समाज के ऐसे लोगों से आप जुड़ेंगे जिनके साथ पहले से आप जुड़े हुए थे लेकिन किसी वजह से आपका संपर्क टूट गया था, और कुछ ऐसे लोगों से भी आपका संपर्क बन सकता है जो आपके लिए बिल्कुल नए हो सकते हैं। तो ये जो स्थिति है चंद्रमा की, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी लाभ देने वाली है, आपको एक नई पहचान देने वाली है। साथ आप कुछ ना कुछ सृजनात्मक कार्य अगर करना चाहें तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी उपयुक्त रहने वाला है। चंद्रमा का लाभ स्थान को देखना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत कुछ आपको यहाँ पर जो है प्राप्त होगा। और धन के मामलों में अगर आपका पैसा कहीं पर अटका हुआ है, कोई आपका धन से रिलेटेड कोई काम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम है, तो वो आपका बनेगा। साथ में अगर आप अपने मित्रों से किसी भी प्रकार का सहयोग चाहेंगे तो आपको सहयोग भी मिलेगा। साथ में जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो एक तरह से थोड़ा सा वेट जरूर करना होगा लेकिन आपको रिजल्ट आने वाले समय में ज़रूर मिलने वाले हैं। इसके बाद बात करें अगर 25 तारीख की, तो 25 तारीख को चंद्रमा शनि की ही राशि कुंभ में गोचर करेंगे जो आपके सिक्स्थ हाउस में रहने वाले। अब सिक्स्थ हाउस में इनका गोचर होने से किसी पुरानी बीमारी का फिर से उभरने का डर रहेगा। शत्रुओं से थोड़े सावधान रहें, किसी के साथ भी पैसे का लेन देन करते समय सावधानी बरतें, वरना आपके साथ चीटिंग हो सकती है। आपका जो दिया हुआ पैसा किसी को वो वापस लौटाने में, वापस आपको मिलने में दिक्कत आ सकती है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है धन संबंधी मामलों में। साथ में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप जो ऑफिस में डेली काम कर रहे हैं, जहाँ पर आपके साथ वाले लोग भी जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं, तो उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर चलें और उनके साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बेटर होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो पूरा रूटीन है, पूरा दिन का जो भी रूटीन है वो बिगड़ा हुआ रहेगा। आप हो सकता है समय पर अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाएं, तो इससे आपके बॉस के साथ संबंध बिगड़ भी सकते हैं और कहीं ना कहीं और भी सारी आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो अपने रूटीन पर और अपने स्वास्थ्य पर मुख्य रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। साथ में चंद्रमा यहाँ पर अपने यहाँ से जो देखते हैं 12वें भाव पर दृष्टि डालें, तो ऐसी स्थिति में कुछ नींद को लेकर दिक्कतें रहेंगी, कुछ ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो खर्चों को लेकर रहने वाली हैं। साथ ही कुछ आपको पारलौकिक जो शक्तियाँ हैं उनका अनुभव होने की उम्मीद यहाँ से की जा सकती है। इसके अलावा अगर आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ कोई काम है, तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो सिक्स्थ के जो स्वामी हैं हाउस के, वो शनि अभी रेट्रो हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ इंतज़ार करना पड़ सकता है। आपको लीगल कार्यों में अगर आप फंसे हुए, कोई भी लीगल मैटर आपका है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी अन्य कार्य से रिलेटेड हो, आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, तो उनमें थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लिए समय अच्छा आने वाला है, तो आपको इसका अभी वेट करना पड़ सकता है और कहीं ना कहीं धैर्य भी आपको बहुत ज़्यादा रखना पड़ सकता है। अब चंद्रमा का जो सिक्स्थ हाउस का गोचर है वो थोड़ा सा अंतिम दिन में आपको परेशान अवश्य करेगा और शुरुआती दो दिन भी आपके लिए उतने अच्छे नहीं जाने वाले, तो एक तरह से इस जो वीक है उसके जो रिजल्ट हैं कहीं ना कहीं आपके लिए वो मिले जुले ही रहने वाले हैं। इस वीक में आपके लिए शुभ अंक रहेगा 8 और आपके लिए शुभ रंग जो रहेगा वो रहेगा नीला रंग। फिलहाल इस वीडियो में